इस वीडियो में हम जेई एग्जामिनेशन को क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने वाले हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, सुना, हम जो मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो आज हम हमारे जेई प्रिपरेशन के, जेई सिलेक्शन के चांसेस पे लगाने वाले हैं। अब एक सीधी गणित ये लगाई जा सकती है कि IITs के अंदर लगभग कितनी सीट है, 10,000, और देने वाले बच्चे कितने हैं, 10 लाख, डिवाइड करके प्रोबेबिलिटी निकाल दी 0.01, ये चार अंडे यहाँ से गए, 0.01 प्रोबेबिलिटी आ गई। और हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये आंसर है, इतनी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन मैं कहने वाला हूं कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये सारे के सारे बराबर नहीं है, और ये जो सीटें हैं ये भी सारे के सारे बराबर नहीं है। क्यों? ये 10 लाख बच्चे में वो बच्चा भी आता है जिसने 2 साल तक जाके कोटा के अंदर या ऑनलाइन या कैसे भी करके उसने स्टडीज करी, पूरे 2 साल तक अच्छे से प्रिपरेशन करी, वो बच्चा भी 10 लाख में आता है। और एक ऐसा बच्चा भी क्लास इसमें आता है जो क्लास 12th बोर्ड की प्रिपरेशन भी नहीं कर रहा था, उसके दोस्त ने फॉर्म भरा जेई का, तो उसने भी जाके भर दिया, वो बच्चा भी 10 लाख में आता है। क्या ये दोनों बच्चों का बराबर कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोनों की प्रिपरेशन लेवल में जमीन आसमान का अंतर है, और ये सीटें भी बराबर नहीं है। क्यों? IIT बॉम्बे CSE या दिल्ली CSE और IIT रोपर की सिविल या IIT भिलाई की मेटलर्जिकल, एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे, हाइपोथेटिकल भी हो सकता है, IIT भिलाई में मेटलर्जिकल सीट नहीं हो तो मुझे मारने मत आ जाना वहां के लोग, एग्जांपल ले रहा हूँ। क्या ये दोनों सीटें बराबर हैं? क्या इन दोनों में जाने के लिए इक्वल एफर्ट लगानी पड़ती है? क्या IIT बॉम्बे CSE जाने के लिए जितनी एफर्ट लगाओगे क्या उतनी एफर्ट लगानी पड़ेगी तुम्हें IIT रोपर में सिविल जाने के लिए? नहीं। क्या IIT रोपर सिविल में जाने के लिए तुम्हें जितनी एफर्ट लगानी है क्या उतनी एफर्ट आपको IIT बॉम्बे CSE के लिए या दिल्ली CSE के लिए लगानी पड़ रही है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये दोनों ही फिगर्स पूरी तरह से गलत है, और ये पूरा जो प्रोबेबिलिटी निकाला जाता है, बोला जाता है बच्चों को यार IIT के अंदर 1% सिलेक्शन रेट है, पूरी तरह से गलत है। समझेंगे वीडियो में डिटेल में अंत तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट बताना चाहूंगा कि जो भी बच्चे जेई 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए आने वाली वीडियोस बहुत सारी आने वाली हैं, ये वाली तो है ही उनके लिए। ऑल्सो आप लोगों के लिए हम एक बहुत ही शानदार ऑफर भी लेके आए हैं। 12 जून तक यदि आप हमारे जेई 2023 कोर्स में एनरोल होते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, क्लोज टू 50% डिस्काउंट आपको मिल रहा है 12 जून या उससे पहले हमारे 2023 कोर्स में आने पर। इस कोर्स में वो सब कुछ है जो तुम्हें IIT में जाने के लिए चाहिए। यदि आप अपनी कोचिंग में बहुत ज़्यादा पीछे पड़ चुके हो, आपका 11th का पूरा बचा हुआ है, 12th समझ में नहीं आ रहा क्या करें, दुनिया भर का एकदम कचरा मचा हुआ है प्रिपरेशन का, और आपको चाहिए कि यार हम एक साल के अंदर जेई क्लियर कर ले, इससे बढ़िया रिसोर्स तुम्हें नहीं मिलने वाला है इंडिया के अंदर, कहीं भी ढूंढ के आ जाना, कश्मीर से कन्याकुमारी, आसाम से लेकर राजस्थान नहीं मिलेगा, ठीक है? तो 12 जून या उससे पहले एनरोल हुई है, काफी अच्छी रेट पर अवेलेबल है और अभी टाइम भी बहुत पड़ा है। चलिए बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ जेई सिलेक्शन की। तो हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि ये दोनों बातें गलत है, तो अब अपन एक अच्छा मॉडल बनाते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। तो PJE अगर हम कैलकुलेट करें, ये होगा ट्रू नंबर ऑफ गुड सीट्स, ठीक है? क्या अच्छी सीट्स कौन कौन सी है? अब गुड सीट के अंदर सारी सीटें आ गई, नॉन IIT की सीटें भी आ गई। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि तुम्हें NIT त्रिची के अंदर CSE मिल रही है, क्या तुम छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। मैं तुम्हें अगर बोलूं कि तुम्हें IIIT दिल्ली के अंदर लेट्स से CS मिल रही है, या तुम्हें मतलब इस तरह की कोई सीट NIT भी मिल गई, ठीक है, क्या वो सीट बुरी है? बिल्कुल भी नहीं है यार, अच्छी है। अगर तुम्हें बिट्स पिलानी में CSE मिल रही हो, ठीक है, बिट्स पिलानी में CSE मिल रही हो, क्या तुम उसे छोड़ दोगे? हाँ, ऑब्वियसली यहाँ पे फीस थोड़ी ज़्यादा है तो शायद आपको उसका इशू हो, लेकिन अपन मान लेते कि ठीक है, तुम किसी तरह से पैसे अरेंज कर लो। अगर आपको ये सीटें मिल रही है, बिट्स पिलानी में CS मिल रही है, NIT त्रिची में CS मिल रही है, क्या आप उसको छोड़ोगे? मैं तो कहूँगा कि अगर किसी भी प्रकार की IIT, किसी भी प्रकार की NIT, किसी भी प्रकार का Tier 1 कॉलेज जिसको कहा जाता है, वो अगर मिल रहा है उसको नहीं छोड़ना चाहिए, उसको हम गुड सीट में काउंट कर सकते हैं। यानी कि ये सीट 10,000 नहीं करके अपन लगभग कर देंगे कितनी, अपन कर देंगे इसको लगभग 40,000, ठीक है, जस्ट एज एन एस्टिमेट कि नंबर ऑफ ट्रू सीट्स है वो लगभग 40,000 है, ना कि 10,000, ओके? अब अपन यहां पे एक और बात करते हैं कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स की अपन ने कैलकुलेशन की है, क्या ये सच में 10 लाख नंबर है? नहीं आंसर है इसका भी। क्यों? क्योंकि ये 10 लाख बच्चे देते हैं ना, इनमें से लगभग 5 से 6 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जिनके भाई बहन ने बोला कि बेटा जाके भाई जाके जेई का फॉर्म भर दे, उन्होंने भर दिया। उनके मम्मी पापा ने बोला कि ओ भाई एक फॉर्म आया है भर दो, भर दिया। उनके टीचर्स ने क्लास 12th में बोला कि जेई मेन की फॉर्म आ गई भर दो, उन्होंने भर दिया। उनके दोस्त ने देखा कि यार ये सब लोग जेई का फॉर्म भर, अपन भी भर देते हैं, इनकी क्लास 12th का आता पता नहीं है, जेई तो दूर की बात है। तो इन्होंने कोई प्रिपरेशन कुछ नहीं किया है, ये जेई मेन में जाके 10 नंबर 20 नंबर से ज़्यादा नहीं लाएंगे, ठीक है? जो अच्छे प्रिपरेशन वाले बच्चे हैं
वो आपके 4 से 5 लाख के लगभग होते हैं, तो 4 लाख भी बहुत ज़्यादा मान रहा हूँ, ठीक है। ये वो बच्चे जिन्होंने किसी प्रकार की प्रिपरेशन की है, भले ही वो बुक्स के फॉर्म में हो गई, भले ही वो सेल्फ स्टडी से हो गई, भले ही किसी कोचिंग के थ्रू हो गई, भले ही ऑनलाइन के थ्रू हो गई, जैसे भी है, मुझे लगता है 4 लाख से ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ते हैं जेई के लिए सीरियसली, और सीरियसली भी नहीं, 4 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ते ही नहीं है जेई के लिए। 4 लाख बच्चे हैं जो असली में एग्जाम थोड़ी सी भी प्रिपरेशन करके देखते हैं। अब क्या अगर अपन इनमें से बात करें कि इन 4 लाख में से आपको क्या लगता है कितने लोग सीरियस हैं, कितने लोग सीरियस आपके हिसाब से? इसका आंसर मैं तुम्हें बताता हूँ, इसमें से जो सीरियस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 1 लाख भी नहीं है। मुझे कैसे पता, बताता हूँ। तो अगर आप जाएंगे जेई मेन के कट ऑफ देखने पिछले सालों के, ठीक है, जेई मेन एग्जाम के कट ऑफ देखने जाइए पिछले सालों के, आप देखेंगे कि उसके अंदर लगभग कभी 80 नंबर, कभी 90 नंबर, कभी 100 नंबर, ज्यादा 110 नंबर, इसके आसपास कट ऑफ जाती है जेई मेन एग्जाम की। और उसमें किस चीज की कट ऑफ जाती है, ये लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने की कट ऑफ जाती है। लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स ही जेई मेन के अंदर 100 नंबर ला पाते हैं 300 में से। 33% लाने वाले बच्चे केवल 1 लाख हैं 10 लाख में से। तो क्या हम ये बात कह सकते हैं कि ये जो 10 लाख बच्चों का हम टारगेट लेके चल रहे हैं, इनमें से जो सच में थोड़े से भी डंग के बच्चे हैं जिनके यार 33% नंबर भी आ रहे हैं जेई के अंदर, वो केवल 1 लाख हैं, क्या हमें बोल सकते हैं? तो ये जो ट्रू नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स है ना, ये 10 लाख नहीं होगी, 1 लाख बच्चे ही हैं जिनके बीच में सच में कॉम्पिटिशन हो रही है। हाँ, बाकी बच्चे हैं, देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बाकी बच्चे जिनके लेट से 80 नंबर, क्योंकि कई सारे बच्चे जो देख रहे होंगे उनके नंबर आ रहे होंगे 30-40 भी आ रहे होंगे, 50 भी आ रहे होंगे, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ जेई के एग्जाम के दिन, है ना। तो अभी आपका जेई हुआ थोड़ी, अभी आपके पास टाइम है प्रिपरेशन का, तो आप कुछ ना कुछ पढ़ लेंगे, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, पीवाईक्यू पढ़ेंगे, कुछ भी करेंगे, इतने नंबर कई बच्चे लेके आ जाएंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं। प्रिपरेशन के टाइम पे 80-90 नंबर केवल 1 लाख बच्चों के आते, तो एक बार ये बात सोचो, 1-1.5 लाख लगभग, ठीक है, एवरेज अपन पकड़ के चल रहे हैं 70-70 नंबर। तो इसकी अगर अपन ट्रू कैलकुलेशन करें तो ट्रू नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स डिवाइड, सॉरी, ट्रू नंबर ऑफ गुड सीट्स डिवाइड बाय ट्रू नंबर ऑफ गुड एस्पिरेंट्स, जो निकल के आएगा 40,000/1 लाख, यानी कि 0.4, यानी कि 40% चांसेस है कि आपका जेई में सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैंने लगभग साल भर पहले भी ये बात बच्चों को मैंने बताई थी इसी टाइम पर, क्योंकि अभी बच्चों के क्या एग्जाम भी होने वाले हैं और 2023 वाले बच्चे जो हैं वो भी 12th में आने वाले हैं, तो आपके लिए सब चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं कि आपको जो नंबर्स इन्फ्लेट करके बताए जा रहे हैं कि यार जेई में तो ना 1% सिलेक्शन रेट होती है, नहीं है भाई, 1% नहीं है, इतनी है तुम्हारी असली रेट। क्योंकि जो 10 लाख बच्चे दे रहे हैं उनमें तुम नहीं हो, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना तो तुम इनमें नहीं आते हो यार। ये जो 10 लाख वाले लोग हैं ना, ये वो गाली गलोच वाली वीडियो आती है ना यूट्यूब पे गेमिंग की ना, पता नहीं क्या क्या, वही देखते रहते हैं पूरे दिन, में से 10 लाख बच्चे वो हैं। तुम यहाँ पे एटलीस्ट पढ़ाई के कुछ कंटेंट देख रहे हो, यू आर नॉट वन ऑफ दी स्टूडेंट्स, यू आर वन ऑफ दी स्टूडेंट्स। ये जो 1 लाख है ना, उनमें से आप एक हो, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो यार, अगर इस तरह का और नॉलेज चाहिए हो और इस 1 लाख में भी तुम्हारी गणना हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, ओके। और आपको बस इस 1 लाख से उठ के 40,000 में आना है। क्या 100 में से 40 नंबर पे नहीं आ सकते मेरे भाई? मेरे भाई नहीं आ सकते क्या 100 में से 40 नंबर पे? नहीं आ सकते क्या? अब यहाँ पे कोई बच्चा बोलेगा कि अरे यार आपने तो NIT त्रिची चुन ली, अरे यार आपने तो बिट्स पिलानी चुन ली, मेरे को तो केवल IIT ही चाहिए। कोई बात नहीं, 40,000 का 10,000 कर लेते हैं, तब भी ये रेशियो 1.1 हो गया, अभी भी यार ये रेशियो काफ़ी अच्छा है। 10,000 में, मतलब 100 में से 10 में आना है तुम्हें, नॉट वेरी बैड अकॉर्डिंग टू मी, डुएबल चीज़ है यार, डुएबल चीज़ है। इतना हार्ड नहीं कह सकते इस चीज़ को कि 100 में से 10 में आना, यू कैन नॉट कॉल इट हार्ड, इट इज डुएबल, इट इज नॉट आस्किंग टू मच ऑफ यू। तो अभी अपन ने एक अप्रोच पढ़ी प्रोबेबिलिटी बेस्ड कि भाई कितना नंबर ऑफ गुड एस्पिरेंट्स है, कितने नंबर ऑफ गुड सीट्स हैं। अब मैं आपको एक और अप्रोच बताऊंगा, वो पहली वाली अप्रोच तो मैंने एक बार डिस्कस भी की हुई है पहले स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन ये अप्रोच मैंने पहली बार आज मैं बता रहा हूँ। तो ये है हिट रेट अप्रोच। क्या है ये बताते हैं आपको, ये मैं आज इसके बारे में सोच रहा था। तो आपको क्या ये बात पता है कि जेई एडवांस के पेपर में 40% नंबर अगर आ जाते हैं तो आप बहुत अच्छी जगह पहुंच जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जेई एडवांस के अंदर 40% नंबर आप देखना, लगभग 10,000 के अंदर रैंक आ जाती है यूजुअली, अगर 40% नंबर होते हैं तो, ओके। और जिसके 40% जेई एडवांस में आ रहे हैं वो जेई मेन में तो लेके आ ही जाएगा भाई, 60% 70% शायद लेके आ जाएगा वो बंदा, तो ही विल प्रोबेबली गेट NIT ऑल्सो, इन केस उसका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होता है। तो अपन यहाँ पे फॉर द लोअर एस्टिमेट 40% मान के जा रहे हैं कि यार 40% नंबर आपको जेई एडवांस में लेके आने हैं। तो अब मैं एक बात क्या बोल सकता हूँ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि 40% सवाल आपको अगर करने हैं तो लेट से आपने एक्स परसेंटेज ऑफ सिलेबस कंप्लीट किया है, ठीक है,
एक्स परसेंटेज या एक्स रेशियो के टर्म्स में देखते हैं, परसेंटेज में ना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। तो अपन को 0.4 फ्रैक्शन ऑफ द क्वेश्चंस करने हैं। मैं एक फ्रैक्शन ले रहा हूँ एक्स, जो रिप्रेजेंट करता है नंबर पोर्शन ऑफ सिलेबस यू हैव कवर्ड। ठीक है, तो किसी बच्चे ने अगर आधा सिलेबस ही कंप्लीट किया है तो उसको यहाँ पे 0.5 नंबर मिलेंगे। अगर किसी बच्चे ने 75% सिलेबस कर रखा है तो यहाँ पे 0.75 आएगा मल्टीप्लाइड बाय वाई। अब ये वाई क्या चीज है भाई? वाई है तुम्हारी हिट रेट। कि अगर तुमने कोई ऐसा क्वेश्चन देखा जेई एडवांस के पेपर में जो तुमने पढ़ा हुआ है, मतलब तुमने सिलेबस कंप्लीट किया हुआ, मतलब ये जो सिलेबस कंप्लीट किया है उसके अंदर से बोल रहा हूँ मैं, उसमें से कितना प्रोबेबिलिटी कि तुम सही करके आओगे। ठीक है कि यार आप कर लोगे वो क्वेश्चन, तो अब ये हिट रेट कितनी भी हो सकती है। तो लेट से अपन ये मान के चलते हैं कि तुम्हें अगर मैंने लेट से एग्जांपल देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेट से मैंने तुम्हें दे दिया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का सवाल जेई एडवांस में। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या पढ़ा है आपने? अगर पढ़ा है तभी तो लेट से आप सभी ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रखा है अच्छे से, तुम्हें सब आता है उसके अंदर। मैं अगर तुम्हें न्यूटन्स लॉज ऑफ क्वेश्चन ऑफ मोशन का एक क्वेश्चन दे दूँ कोई सा भी रैंडम उठा के जेई एडवांस में, क्या तुम उसको कर लोगे? कितना चांस तुम्हें लगता है तुम कर लोगे? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें 70% कॉन्फिडेंट हो कि यार मैं तो कर लूंगा, तो यहाँ पे 70% आ जाएगा। तो अगर अपन एक रफ अपन एक मान के चले हिट रेट, एक अच्छी हिट रेट 60% मुझे लगता है अच्छी हिट रेट है, एक डिसेंट है, ज़्यादा भी नहीं है कि यार आपको मैंने अगर कोई चैप्टर जो तुमने पढ़ा हुआ है उसके अंदर से क्वेश्चन दे दिया, 60% चांस है कि तुम वो क्वेश्चन कर लोगे। तो एक्स इक्वल टू 0.4 बाय वाई इक्वल टू 0.4 बाय 60% 0.6, यानी कि 0.66। इसका अर्थ समझो, इसका मतलब समझो, ये क्या कह रही है लाइन? ये लाइन ये कहना चाह रही है कि अगर तुमने अपना 66% यानी 2/3 सिलेबस भी कवर कर लिया, और अगर तुम जेई एडवांस के अंदर 60% हिट रेट रख के आ गए कि जो सवाल आपने अटेम्प्ट किए उसको आप 60% प्रोबेबिलिटी के साथ सही करके आ रहे हो, तो आपका जेई एडवांस में सिलेक्शन जस्ट हो जाएगा। समझे, इतनी मैजिकल चीज है। तो समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने चैप्टर को थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ लिया कि यार आप उसके 60% सवाल भी कर पा रहे हो, तो आपको केवल 66% सिलेबस करने की ही जरूरत है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ बच्चों, 66% सिलेबस क्या आप एक साल में नहीं निपटा सकते हैं? आपके पास पूरा एक साल है जिसमें आपकी 12th पूरी पड़ी हुई है, आपकी 11th भी आप कर सकते हो, 11th अगर 0 पे भी मान लो, क्या आप एक साल के अंदर, ये 50-50 वेटेज होता है, क्या आप एक साल के अंदर 66% सिलेबस कवर नहीं कर सकते? क्या तुम इतना अच्छे से चैप्टर कवर नहीं कर सकते कि तुम उसमें 60% सवाल सही करके आओ? मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर अपन मार्क्स के अप्रोच से भी देखें, हिट रेट के अप्रोच से भी देखें, तो जेई एडवांस में 40% नंबर लाने के लिए आपको केवल 2/3 सिलेबस भी अच्छे से कर लिया तो भी हो जाएगा। अब ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2/3 सिलेबस ही करके जाओ, कि सर को कल बोलो कि सर हमने तो यूट्यूब पर कल देखा कि यार 2/3 सिलेबस करने से ही जेई हो जाता है, वैसा नहीं कह रहा हूँ मैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि यदि आप इस तरह की कैलकुलेशन देखें, थोड़ी सी थोड़ा सा दिमाग चलाएं, तो इफ़ यू स्टडी योर चैप्टर्स वेल यू डोंट हैव टू डू मच टू गेट अ गुड रैंक इन जेई। अब लेट से आपने थोड़ी मेहनत अच्छी कर ली और आपका 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है, और लेट से आपकी हिट रेट, आपने इतने अच्छे से मेहनत करी कि आपकी हिट रेट 70% चली गई, कि यार आप 100 क्वेश्चन करते हो उनमें से 70 सही करके आते हो इन वॉट एवर चैप्टर्स यू हैव स्टडीड, मतलब इतना तुम्हारा लेवल बन गया, तो तुम्हारी परसेंटेज इन जेई कितनी आएगी? 80% × 70%। अब ये परसेंटेज का हालांकि लफड़ा है, थोड़ा सा डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, रेशियो के हिसाब से देखना, तो ये लगभग 0.56% नंबर तुम जेई एडवांस में लेके आओगे। 56% नंबर पे तुम्हें टॉप 5 IITs मिल जाएंगी। जाके देखो पीछे के रिजल्ट्स कि वो मार्क्स असेस रैंक वाला, 56% पे आपको टॉप 5 IITs में अच्छी सीटें मिलनी चालू हो जाती है। तो माई गाइज, वॉट आर यू वेटिंग फॉर? है ना, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, दोनों अप्रोच देखी हमने, देखा कि अगर हम फर्स्ट अप्रोच प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच निकाले तो एक रियलिस्टिक चांस ऑफ यू क्लियरिंग जेई इज व्हाट 40%, और सेकंड अप्रोच अपने मार्क्स बेस्ड अप्रोच लगे जिसमें हमें यह पता चला कि यदि आप थोड़ा सा भी ढंग से चलते हो, आप यदि 2/3 ऑफ योर सिलेबस भी कंप्लीट कर लेते हो एंड यू कीप अ 60% हिट रेट, कि 60% क्वेश्चन जो तुम अटेम्प्ट करते हो उनको तुम सही करके आते हो, देन यू विल गेट इनटू IIT। दोनों केसेस में आप IIT जा सकते हैं, एंड आई थिंक बोथ ऑफ दीज सिचुएशन शुड बी एक्सट्रीमली मोटिवेटिंग फॉर एनी जेई एस्पिरेंट जो वीडियो देख रहा है, बिकॉज ये बातें कोई कहता नहीं है। कहते क्या है कि जेई एडवांस में 1% सिलेक्शन रेशियो है, 40% कम बताएंगे तुम्हें, और यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जेई का सिलेबस बहुत ज्यादा है, जेई में ये है, जेई में वो है, जबकि
आपके सामने सीधी गणित बैठी हुई है, ठीक है। तो यार आप अच्छे से पढ़ाई करो, जबरदस्ती वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। अगर किसी बच्चे को हेल्प चाहिए अपने प्रिपरेशन में तो 2023 बैच के लिए स्पेशली अभी डिस्काउंट चल रहा है, बाकी बैचेस के लोग तो कोर्स देख ही सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। और 2023 वालों के लिए 12 जून तक डिस्काउंट है, बहुत ही प्यारा सा डिस्काउंट है, ठीक है। तो वहाँ पे आप मुझसे और बहुत सारे बढ़िया प्यारे प्यारे टीचर से पढ़ रहे होंगे, ट्रस्ट मी इससे बढ़िया कोर्स तुम्हें नहीं मिलने वाला है इंडिया में, जो तुम्हारा ये सारा सिलेबस कंप्लीट करा देगा इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। चैलेंज सिलेबस कंप्लीट करना नहीं है, सिलेबस 100 लोग करा देंगे, लेकिन एक साल में सिलेबस कंप्लीट करना ना, ये भारी काम होता है, जो हमसे बढ़िया कोई भी नहीं जानता है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, फटाफट से जाइए। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एनरोल हो और हमारे साथ बढ़िया तरीके से अपनी IIT की सीट की तरफ सफर चालू कर दे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे सोशल हैंडल्स वगैरह के लिंक, कोर्सेज के लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गुड लक।